और ये जो है उल्लू जो उसको बाहर में लगाया जाएगा, और एक तो ये वाला उल्लू है उसको भी लगाया जाएगा, और ये सामने में देखो परी भी बना के रखे हुए हैं, कितने सुंदर से बना हुआ। और ये पूरे नीचे देखो फूल उल भी लगा के रखा गया है, ये देख सकते हो पूरा कितना सुंदर नज़ारा है। और ऊपर भी देखो पूरा व्हाइट व्हाइट बनना पूरा लगा के रखे हुए हैं, और काम कर रहे हैं उसको भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। क्या चीज़ का है, क्या बन रही है, परी के पीछे का डिज़ाइन चाहिए। और ये देखो काफी सुंदर सा बनाया गया है पूरा, और ये सब उल्लू है, ये वाला उल्लू है उल्लू, और ये सब देखो पूरा फूल उल पूरा यहाँ पे लगाया गया पूरा लाइन से। और ये देखो तो स्वागत है दोस्तों हमारे और एक नए वीडियो प्याज की वीडियो में। दोस्तों आप लोगों को लेकर आए हैं पावर हाउस, पावर हाउस का लाल मैदान जहां भव्य दुर्गा पंडाल बन रहा है हर साल की तरह, कुछ इस बार भी यहां अलग देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी यहां पे देख सकते हो मेरे पीछे कितना बड़ा पंडाल बनाया गया है, और चारों तरफ देखो पूरा दुकान वकान भी लगा हुआ है, और ये सामने में देखो पूरा वाइट वाइट पूरा रुई है, रुई पूरा लगा के पूरा इसको बनाया जा रहा है। ये कलकत्ता के थीम पर बनाया जा रहा है, कलकत्ता के थीम पर कोई मंदिर है उसके आधार पे बनाया जा रहा है, पूरा रहेगा। और बीच में जो है बीच में उल्लू रहेगा, जो पूरा लगने के बाद एक तो बीच में उल्लू रखा जाएगा, उल्लू के रखने के बाद ये पूरा आगे का जो डिज़ाइन है कंप्लीट किया जाएगा, और अंदर में पूरा जो है परी महल बनाया जा रहा है। सामने से आप लोगों को दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। तो ये देखो ये पूरा कपड़ा है, कपड़े के आधार पर पूरा बनाया जा रहा है, देखो मस्त पतला सा प्लाई है, प्लाई में इसको पूरा बनाया गया है। और ये पीछे का देखो पूरा डिज़ाइन कैसा है, और ये सामने से आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो पूरा अभी तैयारी चल रहा है, पूरा तरह से तैयारी नहीं हुआ है लेकिन अभी चल रहा है तैयारी। चलते अंदर चल के एक बार देखने का कोशिश करते हैं कैसा माहौल है अंदर में। तो अभी मैं अंदर चल के आप लोगों को दिखाता हूँ, और ये देखो काफ़ी सुंदर सा बनाया गया है पूरा, और ये सब उल्लू है, ये वाला उल्लू है उल्लू, और ये सब देखो पूरा फूल उल पूरा यहाँ पे लगाया गया पूरा लाइन से, और ये देखो परियों को भी रखा गया यहाँ पे। और ये जो है उल्लू जो उसको बाहर में लगाया जाएगा, और एक तो ये वाला उल्लू है उसको भी लगाया जाएगा, और ये सामने में देखो परी भी बना के रखे हुए हैं, कितने सुंदर से बना हुआ। और ये पूरे नीचे देखो फूल उल भी लगा के रखा गया है, ये देख सकते हो पूरा कितना सुंदर नज़ारा है। और ऊपर भी देखो पूरा वाइट वाइट बनना पूरा लगा के रखे हुए हैं, और इधर उधर देखो जो पर्दा है पूरा इसको भी सजा उजा के रखे गया है। और ये जो फूल है काफ़ी सुंदर फूल बनाया गया है, पूरे कागज़ से बना हुआ है, और वहाँ भी पूरा परियों को लगा के रखा गया है। तब इसको भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ चल के, यहाँ पे पूरा एकदम जोरों शोरों से काम चल रहा है। और यहाँ पे घोड़ा बनाया गया, देखो घोड़ा है, और ये परी ऊपर में भी लटक रही है देखो इस साइड में, और वहाँ पर बतख बनाया गया है, ऐसे कुछ कुछ यहाँ पर बनाया गया है। अभी बहुत सारे काम यहाँ पर बचे हुए हैं, अभी चल रहा है। ये ऊपर में भी देखो पूरी परी उरी बना के टांगे हुए हैं, और अभी काम चल रहा है। और ये सामने में माता दुर्गा को विराजमान करते हैं, और सामने में दो ठो परी भी बनाया गया है, साइड भी काम चल रहा है जिसको मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये देखो अभी थोड़ा थोड़ा करके पूरा काम को रेडी कर रहे हैं, और ये देखो परी यहाँ भी बनाया गया है, कितना सुंदर सा परी है। और इस साइड में पूरा काम चल रहा है, ये देखो अभी लगभग लगभग अंदर का काम होने वाला है, और बाहर का भी हो गया, मतलब 60 से 70% यहाँ पे काम हो चुका है, और काफ़ी सुंदर बनाया गया है। और ये अभी काम चल ही रहा है यहाँ पे, ये देखो और भी अभी काम जो कि बचा हुआ है उसको पूरा कर रहे हैं। हाँ जो बाहर का डिज़ाइन है वो सब ये लगाया हुआ है, ये सब लगेगा बाहर में, और उस साइड भी देखते हैं चल के। और इस साइड पूरे बतख उतक को बना के रखा गया है, और ये देखो ये कुछ डिज़ाइन है बाहर के डिज़ाइन है जो कि अभी लगाएंगे, ये वाला ये देखो ऊपर भी लगा हुआ है, और ऊपर में भी परी बनाया गया है, देखो कितना सुंदर सा परी बना हुआ है। और वहाँ पे काम वाम भी चल रहा है जिसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सामने से, ये देखो। तो ये दोस्तों लाल मैदान दुर्गा पंडाल का है, जो कि काफ़ी पुराना है, जो कि काफ़ी सालों से यहाँ पे बैठाया जा रहा है। तो हर साल की तरह इस साल भी कुछ अलग ही यहाँ पे बनाया गया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये देखो, और यहाँ पे देखो घोड़ा भी बना हुआ है, कितना प्यारा सा घोड़ा बना के रखा गया है,
ये देखो, ये जो बन रहा है पूरा परी महल के थीम पे बनाया जा रहा है, और जो बाहर का डिज़ाइन है वो कलकत्ता से कुछ डिज़ाइन है उसको बनाया गया है। उल्लू को ये कुछ काम कर रहे हैं, उसको भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं क्या चीज़ का है, क्या बन रही है, ये परी के पीछे का डिज़ाइन का है। और ये सामने में दो ठो उल्लू रखा हुआ है जिसको बाहर में लगाया जा रहा है। कितना बड़ा उल्लू है, ये रोहू है या दूसरा नहीं यार। और इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, अभी से ही देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो सोच सकते हो कितना सुंदर से यहाँ पंडाल बनाया गया। और ये भी एक उल्लू है, ये वाला देख सकते हो उल्लू है जो कि अभी रेडी हो चुका है, और इसको कल या परसों इसको लगा दिया जाएगा बाहर में। और यहाँ पर माता दुर्गा विराजमान होगी, उसके पीछे भी दो ठो परी को लगाया गया है। और ये पूरा वाइट कपड़े से अच्छे से सजाया गया है, पूरा थर्मोकॉल है नीचे पूरा देख सकते हो। और इसके पीछे जस्ट जोत चलता है, तो वो जोत वाला अभी रास्ता मिला नहीं है, मिलेगा तो दिखाऊंगा आप लोगों को। वो आप लोगों को जब नवरात्रि में जब बैठेगी माता तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ले जाके। यहाँ पे देखो और भी थर्मोकॉल बचा हुआ है, और भी कुछ कुछ काम बचा हुआ है। और ये जो फूल का डिज़ाइन है काफ़ी सुंदर सा डिज़ाइन बनाया गया, एकदम प्यारा सा। ये जो कमल बोलते हैं ना, कमल बनाया गया है, कमल का डिज़ाइन पे बना गया। देखो कितना सुंदर से लग रहा है, पूरा अलग अलग कलर का है, लाल है, पीला है, ऑरेंज है, ग्रीन है, ऐसे करके बहुत सारे चीज़ इसमें लगाए गए हैं फूल में। देखो कितना सुंदर से इसको सजाया गया है। और ये है बतख, ये देख सकते हो इतना सुंदर से सजाया गया दोस्तों, इतना सुंदर लग रहा है यहाँ पंडाल बाहर से। मेरे को तो इस बार लग रहा है काफ़ी अच्छा पंडाल अगर बोला जाए तो लाल मैदान का रहने वाला है, लाल मैदान का दुर्गा पंडाल। ये जो पावर हाउस के किनारे में, मतलब पावर हाउस से लगा हुआ है, पुलिस थाना के सामने में जो बैठता है वहीं पर। बाहर में भी देखो कुछ जोरों शोरों से काम चल रहा है, तो यहाँ भैया लोग लगे हुए हैं काम पे, काफ़ी ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं। और ये सामने का नज़ारा देखो, कितना सामने का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। ये बाहर का जो है डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और एक चीज़ दोस्तों, अभी यहाँ पे लाइट चालू नहीं किया गया था, लेकिन अब लाइट चालू हो चुका है। लेकिन अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये देखो पूरा चारों तरफ का लाइट शुरू हो चुका है पूरा। ये देखो चारों तरफ पूरा लाइट चालू हो गया, कितना सुंदर सुंदर डिज़ाइन इस बार डाला गया है। ये देखो, ये देख सकते हो कितना सुंदर सुंदर यहाँ पे इस बार डिज़ाइन को डाला गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ, और हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले, ताकि और भी आप लोगों के पास वीडियो पहुँचते